आइए, गुड मॉर्निंग। बताएं किस चीज के लिए आप आए हैं इंक्वायर करने। मैम, एक तो कोचिंग इंस्टीट्यूट हम कैसे सेलेक्ट करें, मतलब कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, क्योंकि इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं मार्केट में, हर जगह नए नए इंस्टीट्यूट्स ओपन हो रहे हैं, कुछ पुराने भी हैं, तो हम तो इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि कौन सा बेस्ट है। तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि मैं कैसे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करूँ कि क्या बेस्ट है, कौन सा सही है। देखिए, सारा दिन इतने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आते हैं हर जगह इंक्वायर करने, तो सबसे पहले तो ना आपको अपने वार्ड को, जैसे आप अपने ब्रदर के लिए आई हैं फाइंड आउट करने, तो आपको ना उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को देखते हुए इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना चाहिए। अब जैसे आप मेरे पास आई हैं, मैं अपनी पॉजिटिव चीज़ें बता दूंगी, ऐसे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे सब अपनी अपनी चीज़ें बता देंगे, लेकिन अपने ब्रदर को, अपने बच्चे को एक पेरेंट सबसे बेहतर जानता है। अभी तक उसका प्रोग्रेस, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस आपने देखी है। हम चाहे उसको सामने बिठा के एक घंटा बात कर लें या उसका 6 घंटे का पेपर ले लें, हम उससे बच्चे का 100% जज नहीं कर सकते। तो सबसे पहला तो मेरा आपको मतलब सजेशन यही है कि आप अपने बच्चे को देखते हुए इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करें, और इंस्टीट्यूट ऐसा सिलेक्ट करें जहां आपके मतलब ब्रदर को उसके बारे में पता तो हो, टीचर्स को, इंस्टीट्यूट को, कि वो कौन है, उसके क्या स्टेटस चल रहा है, उसका क्या स्ट्रांग जा रहा है, उसकी क्या कमी जा रही है। अदरवाइज आप देखते हैं इतनी इतनी भीड़ है इंस्टीट्यूट्स में कि बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं। मतलब जो टीचर्स उनको पढ़ा भी रहे हैं उनको नाम तक नहीं पता बच्चों का, तो आई थिंक वो तो एक तरीके से आप बच्चे को नेगेटिव तरफ ही धकेल रहे हैं। इतने क्राउड में तो बच्चे ने लॉस्ट ही हो जाना है। तो अभी तो शुरू में मैं आपको कहूंगी ये दो क्राइटेरिया होने चाहिए। एक ऐसा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करें जहां एक पर्सनल फोकस रहे बच्चे पे, दूसरा आपने जो उसकी जर्नी अभी तक की जो रही है उसमें जो उसको समझा है उस अनुसार इंस्टीट्यूट को आप सिलेक्ट कीजिए। तो आगे हम और बात करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, पहले मैं चाहती हूँ आप अपने सवाल मेरे से क्लियर करें, बताएं और क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है मैम। और दूसरी चीज मैम, मैं ये भी बहुत सोचती हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट के नेम पे जाऊँ, लाइक ब्रांड्स जो होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उस पे जाऊँ, या मैं टीचर्स की एक्सपीरियंस और वो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या उनका बैच है, तो मैं उस चीज पे जाऊँ। तो मतलब ये भी कंफ्यूज हूँ कि मैं ब्रांड पे जाऊँ या टीचर्स पे जाऊँ, इंस्टीट्यूट की इन चीजों पे जाऊं जो छोटी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंस रखती है बच्चों के लिए, तो इस चीज में भी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। देखो, जैसे आपने कहा कि आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपने, मैंने या मेरे भी जो सीनियर्स रहे होंगे, जब हम इस लेवल पे आते हैं तो हम ज्यादा इंपॉर्टेंस शायद उस कोर्स को देते हैं कि जो हमें करना चाहिए, रादर देन कि कॉलेज क्या है। इवन दो कोशिश हमारी यही होती है कि हमें बेस्ट कॉलेज में बेस्ट कोर्स मिले, लेकिन आपने अपने घर में भी देखा होगा, फ्रेंड सर्कल में भी देखा होगा कि ज्यादा एल्डर लोग या सीनियर लोग यही राय देते हैं कि जो कोर्स करना है उसके आगे प्रोस्पेक्ट्स देखो, रादर देन कि तुम एक कॉलेज तो बढ़िया ज्वाइन कर लो लेकिन उसके अंदर उस कोर्स की कोई वैलिडिटी ना हो। तो इसी तरीके से जो आपका सवाल है, मैं ये कहना चाहूंगी, इंस्टीट्यूट का जो ब्रांड नेम है वो बहुत वजह से बनता है। अब जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी एड आप न्यूज़पेपर में भी देखेंगे, आप होर्डिंग्स भी देखेंगे, आप एफएम पे भी सुनेंगे, आप टीवी में भी देखेंगे, आप पैम्फलेट्स भी रोज आपके न्यूज़पेपर में आ जाएंगे, तो वहां से वो बन गया ना ब्रांड नेम। लेकिन क्या उस इंस्टीट्यूट के उतने रिजल्ट्स आ रहे हैं जितने लाखों बच्चों को वो पढ़ा रहा है? आंसर इज नो। तो पढ़ाना आपके बच्चे को फैकल्टी ने है, टीचर्स ने है। आप ये देखें वो टीचर्स कितने क्रेडिबल है, उनकी खुद की कितनी गुडविल है, उनका खुद का क्या एक्सपीरियंस है, और सबसे बड़ी बात वो आपके बच्चे के लिए कितनी पेन लेंगे। अब इंस्टीट्यूट ने टीचर्स रख दिए, लेट से टीचर भी बढ़िया है, बट क्या वो इतनी भीड़ में एक एक बच्चे पे ध्यान दे पाएगा? तो आपके क्वेश्चन का मेरा पहला आंसर ये है कि रादर देन इंस्टीट्यूट का नाम और ब्रांड इमेज देखें आप ये देखें कि वहां टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाने का जो सिस्टम है वो कैसा है, एकेडमिक प्लानिंग कैसी है, और सबसे बड़ी बात अगर ये सब भी सही है तो क्या उस जो भी ग्रुप साइज वो ऑफर कर रहे हैं उसमें आपके बच्चे को कोई इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा या नहीं। तो मेरी तरफ से तो ये होना चाहिए सिलेक्शन क्राइटेरिया। बाकी आप और पूछें और क्या। ठीक है मैम। और दूसरी चीज मैम, जैसे मैं देख पा रही हूँ इतने कंपटीशन है बच्चों के बाहर, इतने ज्यादा हैं, कभी कभी तो मेरा ब्रदर लाइक डर जाता है कि मुझे करना चाहिए, मैं इस कर पाऊंगा, क्या पता मैं रह जाऊंगा, तो मतलब बच्चे में ना डाउट आ जाता है कि इतने सारे कंपटीशन ही होंगे, तो उस चीज से मैम कैसे मैं हम बच्चों को भी समझाए और कैसे बच्चे भी फेस करें कि नहीं कंपटीशन है कोई बात नहीं बट तुम कर लोगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा है
है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही बच्चा 10th पास आउट करता है ना, तो एक ये चीज हो जाती है कि जिन बच्चों ने साइंस स्ट्रीम लेनी है उनके तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इमीडिएटली 12th के बाद होते हैं, तो बच्चा उस प्रिपरेशन में 11th से लग जाता है। अब वो लग तो जाता है, वो इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर लेता है, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि जी 10-12 लाख बच्चे पेपर देंगे, तो वो वहां से डीमोटिवेट हो जाता है कि 10-12 लाख में मैं कहाँ स्टैंड करूंगा। Exactly. तो आप उसको ये बताइए कि 10-12 लाख बच्चे पेपर भर रहे हैं, उसमें से सीरियस एस्पिरेंट कितने हैं। अब सीरियस एस्पिरेंट वो नहीं होता जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो आप यहाँ आई हैं, आप देख ही रही हैं कितनी भीड़ है। सीरियस एस्पिरेंट वो है जिस जो भी कोर्स उसने ज्वाइन किया 1 ईयर 2 ईयर उसमें पूरा डिवोटेड होके वो अपना 100% एफर्ट करे जेन्युइनली। बच्चे कई बार पीयर प्रेशर में ज्वाइन कर लेते हैं कि फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं या फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, या कई बार पेरेंट्स का होता है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन और प्रेशर, उनको आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं कह सकते। जो बच्चा अपनी चॉइस से और अपना 100% देके उस टाइम ड्यूरेशन में एफर्ट करेगा वो सीरियस कंपटीशन है। तो वो कितना बच्चा होता है, वो होता है अराउंड आप मान लीजिए 3 लाख 4 लाख, तो कंपटीशन वो है। दूसरा अगेन कंपटीशन की बात आ जाती है। अब ये जो जैसे आपने कहा आपका ब्रदर 11th में जाएगा, अब ये 2 साल जो आप उसको जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कराएंगी उसमें बात सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की नहीं होगी कि आगे उसने इंजीनियरिंग करनी है तो जेई के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछा जाएगा। ये 2 साल की जर्नी में आपने भी हमने भी टीचर्स ने भी बच्चे को हर लेवल पे प्रिपेयर करना है, उसको मोटिवेटेड भी रखना है, उसका मोरल भी हाई रखना है, उसको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होने देना, उसको मॉरल वैल्यूज भी सिखानी है कि तूने मतलब डिसऑनेस्टी से चीजें नहीं करनी कि तू पेरेंट्स को फूल अराउंड कर रहा है या टीचर्स को फूल अराउंड कर रहा है और एक्चुअली तू ऑनेस्ट वर्क नहीं कर रहा। तो वहां पर भी इस कंपटीशन की इम्पोर्टेंस है कि उसको एक ऐसा ग्रुप साइज आप ज्वाइन कराएं जहां वो भी आराम से अपने टीचर्स से मेंटर्स से इंटरेक्ट कर पाए और टीचर्स भी उसको वो पर्सनल काउंसलिंग दे पाए। ऐसा ग्रुप उसको 60-70-100 बच्चों का अपना ज्वाइन करा दें जहां वो भी बस बैठ के एसी की हवा खा के आ जाए 2 साल और अंत में कोई रिजल्ट ना आए और ना किसी टीचर को उसके बारे में पता हो कि वो कौन स्टूडेंट है, उसका क्या स्टेटस चल रहा है। तो बोथ वेज कॉम्पिटिशन इज इम्पॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट के अंदर भी भीड़ का आप ध्यान दें और ये भी उसको मोटिवेट करें कि वो आपने 10-12 लाख सोच के घबराना नहीं है, आपने एक सीरियस एस्पिरेंट होके ऑनेस्टली अपनी पूरी तैयारी करके पेपर देना है, दैट्स इट। ओके ठीक है। और मैम दूसरी चीज़ क्या, स्कूल भी इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली होते ही हैं, क्योंकि अगर मैं 2 ईयर के लिए बच्चों को करवाती तो ऐसा तो नहीं है कि जेई के लिए ही बस करता जाए, ऑब्वियसली एनसीईआरटी सीबीएसई आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो वो क्या बच्चे के लिए ज़रूरी है? तो उसमें भी बहुत होता है कि कहाँ करवाएं, कैसे करवाएं, अलग कोचिंग, बच्चा बहुत ज़्यादा पहले ही ऑलरेडी इतना स्कूल ट्यूशन करके थक जाता है, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें सेल्फ स्टडी, तो ये भी बहुत होता है। नहीं बिल्कुल ठीक है, देखिए स्कूल डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, वो चॉइस आपकी रहेगी कि आप अल्टीमेटली उसको स्कूल के साथ कोचिंग ज्वाइन कराना चाहते हैं तो वो बैचेस अलग हैं, या आप कहते हैं कि मैं उसको डमी स्कूल करा के नॉन अटेंडिंग बैच में करवाऊंगी, वो चॉइस आपकी रहेगी। बट चाहे वो जाए किसी भी बैच में, रेगुलर में जाए, वीकेंड में जाए, नॉन अटेंडिंग में जाए, स्कूल स्टडी तो इम्पॉर्टेंट है ही ना, अल्टीमेटली 12th बोर्ड तो देना ही है। एक CUET वाली जो ऑप्शन है वो भी बच्चा लेके चलता है कि अगर मेरा इंजीनियरिंग में नहीं हुआ या मेरा ही माइंड मेरा ही टेस्ट चेंज हो गया कि मुझे कुछ और करना है, तो वो चीज़ें भी उसने बढ़िया करनी है। तो यहाँ सहगल्स में सबसे पॉजिटिव चीज यही है कि हम CBSE अलाइंड स्टडीज कराएंगे, चाहे आप कोई भी बैच बच्चे को ज्वाइन कराइए, उसका जो NCERT पार्ट रहेगा, स्कूल पार्ट रहेगा, CBSE बोर्ड प्रिपरेशन रहेगी, वो हैंड इन हैंड उसकी JEE के साथ चलेगी। आपको ना तो उसकी कोई टेंशन लेनी है, ना आपको कभी भी ये लगेगा कि मुझे अलग से साइड से उसको कोई ट्यूशन लगवा के देनी है। तो अगर वो स्कूल जाएगा तो वो केवल यहाँ आएगा, अगर आप उसका डमी एडमिशन कराएंगी तो उस केस में तो वो टोटली ही सिर्फ हमारे पास आएगा, उसको कहीं भी नहीं जाना। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है जो जनरली इंस्टीट्यूट्स में NCERT और CBSE पे ध्यान नहीं दिया जाता, वो यहाँ पर बच्चे को पूरा फोकस मिलेगा। ओके ठीक है। और मैम आपका जैसे आपने बताया सैगल स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन, यहाँ के क्या रिजल्ट रहते हैं मैम, कैसे रिजल्ट? मैं आपको बता दूं, ये हमारा 30th ईयर चल रहा है, 1993 से हम लोग ये इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं। तो एक जनरली अगर मैं पिछले भी 4-5 साल की बात करूं तो एक एवरेज ट्रैक जो हमारा जेई का रहता है वो 70-75% सिलेक्शंस का रहता है, यानी कि जितने बच्चे भी हमारे एक साल में अपीयर करते हैं उसमें से इतने परसेंट को टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हर साल हम क्वालिफाई करा देते हैं।
तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो बहुत ज्यादा बैचेस हम नहीं बनाते, हम बैचेस लिमिटेड बनाते हैं सो दैट सेम टीचर हम हर बच्चे को दे पाए। दूसरी बात कि जो बच्चे भी हम एनरोल करते हैं बैचेस के अंदर, उसमें हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, और ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि जितने बच्चे एक साल में पेपर देंगे उसमें से ये सिलेक्शन रेशियो हमारा एंड में रहता है। तो बाकी मैं चाहूंगी अब आप एक बार अपने ब्रदर को भी लेकर आए, क्योंकि हमारी एक और यूनिक फैसिलिटी है कि हम टीचर्स और डायरेक्टर सर से इंटरेक्शन कराते हैं बच्चे और पेरेंट का। उससे फायदा ये होता है कि जो चीजें मैंने आपको एक जनरल लेवल पे बताई हैं एकेडमिकली, आपको भी और बच्चे को भी और ज्यादा पता चलती हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चे के लेवल को देखते हुए हम आपको बता पाते हैं कि अभी स्टूडेंट किस लेवल पे है और कहाँ तक हम उसे ले जा पाएंगे, और उस बेसिस पे ऑन द स्पॉट आपको सारी चीजें, बच्चे को क्या हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उसका क्या लेवल हमने असेस किया है, फाइनल फीस क्या लगेगी, साथ के साथ आपको पता चल जाती है। तो उससे शायद आपको और आइडिया मिलेगा अपने ब्रदर के लेवल के बारे में भी, और इंस्टीट्यूट के बारे में भी आप बेहतर जान पाएंगी, क्योंकि आप स्ट्रेट अवे टीचर से और डायरेक्टर सर से मिलेंगी। तो इसके लिए आप मुझे कंफर्म कीजिएगा और उसको लेकर आइएगा। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। मेरे काफी ज्यादा डाउट थे, जैसे मैंने आपको जितने क्वेश्चंस पूछे तो काफी चीजें मुझे क्लियर हुई है कि एक्चुअल में मुझे किस क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। तो वो चीजें तो मैं यहाँ पे आके तो बहुत क्लियर हो गई हूँ। आई एम श्योर मैं अपने ब्रदर को लेके आऊंगी तो वो तो बिल्कुल पूरा ही क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू।